कितनी यही दवाइयाँ आपकी औषधि केंद्र में एक इशू है कि दवाइयाँ पूरी दी हैं और इसकी दवाइयाँ इफेक्टिव हैं। हम जो यहाँ से मिलती है वो हम देते हैं, मगर आपको एक दो ही मेडिसिन यहाँ से मिलेगी, उसको बाहर से लानी पड़ेगी। सर, जन औषधि में ना हमें ओपनी की दवाई मिलती है, जैसे इनको कोई एंटीबॉडी कितना होगा मुझे देना होगा, ओपनी की दवाइयाँ तो जब हमारे पास आती है हम एक्सेप्ट करते हैं। ओपनी मेडिसिन पेशेंट के लिए मतलब जरूरी है, लाइफ सेविंग उतनी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो नीचे वाली दवाइयाँ ना उनमें प्रॉब्लम है, जो पेशेंट को आईपीडी पेशेंट में हम ऑपरेशन वाले पेशेंट यहाँ पर आईपीडी की दवाइयाँ नहीं मिलती, आईपीडी के नीचे से मिलती है। आईपीडी की दवाइयाँ आपके पास रखना जरूरी है सर, अगर एक 24 आवर्स खुला रहेगा, 24 आवर खुलेगा ही, ये रखो, इसको हम भेजा करेंगे पेशेंट को कि भाई आप ऊपर जाओ, वहाँ से बहुत इंजेक्टेबल लाओ, ये लाइफ जो भी इंजेक्शन बेसिकली पेशेंट को केंद्र दिया है पूरे डोडा में जो सबसे बड़ा यहाँ का हॉस्पिटल उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये करोगे कि मैं अकेला हूँ मेरे से नहीं खोला जा रहा, वो नहीं चीज देख सकते हूँ, ठीक है। स्टाफ हायर करो, मेडिसिन को नहीं रखो। कितना टाइम चाहिए आपको ये सारा फुली इम्प्लीमेंट करने में? कल से 24 आवर हो जाएगा, इसे 24 आवर चलाओ। अब सॉल्ट जो आपके कम है, सॉल्ट जो कम है उसका क्या? सर ये पीछे से ही है सर, पीछे से सप्लायर जम्मू से है। आप ऐसा करो, बताओ कि वहाँ पे 600 मॉलिक्यूल है तो आप 106 मॉलिक्यूल है, 106 नहीं है, 150 तो यहाँ पे चल रही है अभी ओपीडी में जो चल रही है। नहीं, एक चीज बताओ, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं है? बताओ कितने सॉल्ट है आपके जन औषधि में? ठीक है, अब ये चीज है, जैसे हमारे यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सारी नहीं है तो शायद कुछ सॉल्ट हमें नहीं चाहिए होते होंगे, तो अगर हमारे एचओडीज इनको विद इन 3 डेज सॉल्ट बता दें कि ये सॉल्ट आपके जन औषधि केंद्र में होना चाहिए, तो वो ये रिक्विजिशन करके वो ठीक रहेगा? बताइए बताइए गोविंदा जी, एटीएम कहाँ लगाओगे यहाँ पे? एटीएम की जगह सिलेक्शन हुई है, कहाँ पे? यहाँ है, रूम बनाना है आपको? हाँ अभी बनाना, क्योंकि हमें रेंट बता रहे हैं आपका ड्रेन श्रेन सारा ठीक करवाना है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल जैसा दिखना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। ये तो वो 5 लोग ना, ये उनका फंक्शन है, एक ही कमरा है सर। कौन से वाला? वो भी नहीं हमारे पास, यही है सर, ऑनली वन डोर, ओनली ये दो बेड आते हैं। हमें आपको पूरा कॉम्प्लेक्स बना के देना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में भी आकर आप कौन कौन सी दवाइयाँ देते हो? हमारे इधर जितने डॉक्टर वो अगर आ जाए 8 AM to 8 PM 12 आवर। आपको ऑथराइजेशन 24 घंटे की कागज दिखाओ अपना, कहाँ हाई सर्टिफिकेट दिखाओ आपको जो ऑर्डर मिला है सरकार का जिसके तहत आपने खोले। मैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी जाती हूँ, 24 घंटे अपने खुला होता है, 24 घंटे कागज दिखाओ भाई। क्या नाम है हमारे बैंक वाले? यहाँ बनाओ, ठीक है, ये कचरा कुछ भी हो जाएगा। आप पैसे एटीएम ना, ये जो जगह है ना खाली, पैसे ही जीत सकते, ठीक है, और चूल्हा बनेगा ये काम करेंगे। कहाँ हो? सर
अगर ये यहाँ लेटा है तो क्या ये एडमिटेड है? दो जो चेंजेस किए थे थोड़े से, एक रैपिड कौन सी वाली तो आप क्या कह रहे हो उसमें से कौन सा स्टैंडर्डाइज और कौन सा नहीं है? मैं फोटो दे सकता हूँ पेशेंट को, बस ठीक है, नॉट आप जाइए अमृत वाली जो शॉप है उससे पूछिए कि एक ही पेशेंट को दो अलग अलग दवाइयाँ क्यों दी जा रही है, सेम सॉल्ट ठीक है, जाके पूछिए मेरा वही तो है भाई, आप नहीं खुल रहे एक वो ना एक और भी है, एक वाला भी है। कितना स्टॉक है पैरासिटामोल का? मैं सिर्फ उसके पूछ रहा हूँ, आपसे खोलो है ही नहीं उसको, उसका स्पेशल है। ड्रग ट्रांसफर डिटेल होते हैं जिसमें आपको रिसीव जाती है, दवाई का नाम कहाँ डालोगे? दवाई का नाम कहाँ डालोगे जनाब? हमारे वार्ड में अभी भी बहुत ही नीचे पड़ी है मैम, हम इशू कर देते हैं ना वार्ड में। जो स्टोर में आपका इशू रजिस्टर दिखाओ, आपने किसको कितनी इशू की है? 500 150 पैरासिटामोल है सारी, जनाब मैं ये नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे मांग रहा हूँ जो आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इशू किया है कितना किया है? 650 एम जी मोल डिमांड इज कितने डिमांड है? December 2023, 24 में कितनी की है? ये डॉक्टर अनिल जिन्होंने रेफर किया था वो पर्ची कहाँ गया हमारी मेडिसिन है? मेडिसिन को कौन सी इशू की आपने? मेडिसिन का बताओ तो उनको कितने इशू किए है? रेडियोथेरेपी आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, ये मेडिसिन है आपको मेट आ गया तो हो जाएगा काम, दे दोगे पैसे? मैं दे दूंगी, सोल्यूशन आप खुद ही दोगे मैम? ये तो मेरे ऑफिस ही बुरा हाल है, गेट लगता है वो आपका फ्लेक्सिबल गेट ठीक है, ये अगर दे दें चौकी तो बेस्ट हो जाएगा, पार्टीशन कर देंगे उनको ठीक है, इसी कैसे भी लगे अच्छे हैं, बट देख लो आप पहले एसओडी से कंसल्ट कर लो फिर मुझे बताइए। देखिए एक नॉर्मल विजिट था, कंसल्टेटिव मीटिंग थी जीएमसी के फैकल्टी, देन हमारे जो डीएनबी के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, एंड देन बहुत सारे इश्यूज थे लाइक एनक्रोचमेंट ऑफ जीएमसी लैंड, फिर उसके बाद जो जीएमसी की कंस्ट्रक्शन हो रही है ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन, उसके जो इश्यूज थे फंडिंग के वो सब डिस्कस हुए। इसके अलावा सिक्योरिटी सिनेरियो ऑफ द जीएमसी, हमारे डॉक्टर्स की सेफ्टी व्हेन दे टेक अ डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक कंप्लेंट आई थी कि कुछ रिक्वेस्ट क्रिएट हुआ था जब
व्हेन इट डजंट गो वेल विद द अटेंडेंट्स ऑफ द पेशेंट्स, तो वो सारी चीज़ों को रिव्यू किया गया। एसएसपी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उसी पे कुछ कुछ डिसीजंस लिए गए। इसके अलावा हमारा जन औषधि केंद्र, जो हमारे अमृत की शॉप्स हैं, उन सबको रिव्यू किया गया, उनकी स्टॉक पोजिशन। और एक हमने जो आज एक जॉइंटली डिसीजन लिया है वो ये है कि अब से हमारे जो आयुष्मान के अंदर ये जो हमारी अमृत शॉप्स हैं और जो हमारे जन औषधि केंद्र हैं, ये पूरे 24 आवर खुलेंगे। और अगर यहाँ पे कोई भी मेडिसिन की शॉर्टेजेस है जो आज हमने पाई, वो सब एक हफ्ते के अंदर अंदर फुलफिल होंगी और लोगों को जो भी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट एक हमारा वादा है वो उनको मिलेगी। देखिए एटीएम और सुलभ शौचालय, इन दोनों पे भी डिस्कशन हुआ और उसके लिए हमने लोकेशन हमारी दाईं तरफ पे एक यूनिसन से हमने डिसाइड किया कि एटीएम बिल्कुल वहाँ होना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और लोग दवाई लेने जाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो लगता है ये है कि हमें दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, बट देन देयर आर एक्सपेंसिस, तो उस सब चीज़ को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करते हुए जो बेसिक लोगों की रिक्वायरमेंट होती है मनी की, उसके लिए उनको एटीएम अवेलेबल करने के लिए हमने यहीं पे डिसाइड किया। देखिए हमने एक और चीज़ को आज इंस्पेक्ट किया कि जीएमसी में ओवरऑल बहुत सारी पार्किंग हो रही है। पार्किंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्किंग की वजह से अगर कोई पेशेंट की एम्बुलेंस ना आ पाए, अगर उस पार्किंग को मिसयूज़ किया जाए, उसमें कहीं ड्रग्स की शिकायतें भी आती हैं कि इन पार्किंग्स में ड्रग्स लेते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स में जाके लेते हैं, तो वो सब चीज़ों से हमें प्रॉब्लम है। और उसी प्रॉब्लम में हमने एक डिसीजन लिया है कि जो भी, जैसे आपने बताया कि एक जगह से दीवार तोड़ के रास्ता बनाया गया है, हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उन पे एक्शन लिया जाएगा। और ये मेरा एक क्लियर मैसेज रहेगा कि जीएमसी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसकी सैंक्टिटी सबसे ऊपर है और सैंक्टिटी रहेगी तभी पेशेंट्स को जो डिजायर्ड फैसिलिटीज़ है वो मिलेंगी। रिक्वेस्ट वगैरह अनलॉफुल सिचुएशन बनाने से जीएमसी को नुकसान होता है, तो अगर कोई ऐसी चीज़ें इलीगल करता है तो उस पर हम कार्रवाई करें। देखिए उसके लिए डॉक्टर साकिब हैं यहाँ के एचओडी पीडियाट्रिक से पीछे ही खड़े हैं, इनकी आज हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है। कॉमनली मैंने और मैडम ने डिसीजन लिया है, ये अब से अमृत सरोवर और आयुष्मान को पूरा जो हमारा ये औषधि केंद्र है उसको मॉनिटर करेंगे। और सबसे पहले हमें लोगों को हॉस्पिटल से दवाई देनी है, अगर बाय चांस हमारी सप्लाईज में ना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो अमृत शॉप्स हैं उससे मिलेंगी। और अगर वहां से भी ना हो तो थर्ड टायर हमारा जन औषधि केंद्र है जिसमें जेनरिक मेडिसिंस एट ए लेसर कॉस्ट मिलती हैं। तो मेरी सब लोगों से अपील रहेगी, इनफैक्ट जो हमारे आसपास खड़े होकर सुन भी रहे हैं उन सबसे भी अपील रहेगी कि इन्हीं तीन मीडियम को पहले एग्जॉस्ट करें, उसके बाद ही अपनी जेब से कोई खर्चा करने के लिए बाहर जाएं। जब कोई चीज़ नई कंस्ट्रक्ट हो रही होती है तो कुछ इश्यूज रहते हैं। अब जीएमसी का जो ये ब्लॉक नया बन रहा है जिसमें इसकी एक्सपेंशन हो रही है एसोसिएटेड हॉस्पिटल की, उसमें इश्यूज हैं, वो इश्यूज टाइम के साथ सॉर्ट हो जाएंगे। बट इमिडिएटली जो हमारा सिटी स्कैन का ऑपरेटर्स है उसके लिए जो रास्ता चाहिए उसके एस्टिमेट्स बन चुके हैं, वो इमिडिएटली मैडम को कन्वे भी कर दिए गए हैं और उसका टेंडरिंग करके विल मेक श्योर कि वहाँ पे सिटी स्कैन फैसिलिटीज़ में जो स्ट्रेचर जाना है, जो लोगों को जाना है, वो हैसल फ्री पहुँच पाए। थैंक यू सर।